नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर अजीत यादव ट्रिकी मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आप लोगों को एक खास लेकर आया हूं वीडियो, जो कि आप हर परीक्षा देते हैं लेकिन उसमें आपको कुछ प्रश्न आपको ऐसे रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें आपको जो प्रश्न नहीं आते हैं उस पर आपको कैसे तुक्का लगाया जाता है, तुक्का लेकर लगाना हम आपको सिखाएंगे, किस प्रकार से आपको तुक्का लगाने का जो तरीका होता है सही तरीका, अधिक से अधिक प्रश्न कैसे आप उसमें तुक्का लगाकर सही कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आज अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो आप हमारे चैनल के नीचे सब्सक्राइब कर का जो बटन लिखा हुआ आ रहा है उसको आप क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक घंटी की बटन आएगी उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं लेटेस्ट वीडियो जो डेली की डेली जानता हूँ वो आपको मिलता रहे। पहली बात की दोस्तों, आपको बता दूँ कि आप तुक्का लगाकर किसी भी एग्जाम को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसमें से 60% आपको आना चाहिए प्रश्न। तुक्का लगाकर आप तब जाकर सफलता पाते हैं जब वहाँ पर आपको 10-20 क्वेश्चन की बात बचती है कि आप कहाँ से वहाँ पर तुक्का लगाएं और अधिक से अधिक आपके प्रश्न सही हो जाएं, तो वहाँ पर ये मेथड आपको काम करेगा और तुक्का लगाने का एकदम सटीक तरीका एकदम आपको हम बताएंगे। तो आइए ज़्यादा न बात करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तुक्का आप लगाते कैसे हैं? आपको जैसे हम यहाँ पर प्रश्न दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 प्रश्न हमने ले लिया है। इसमें अगर आप तुक्का लगाते हैं कितने लोग हैं, ए को लगा देते हैं, फिर आप दूसरे वाले प्रश्न में बी को लगा देते हैं, तीसरे वाले में सी को लगा देते हैं, चौथे वाले में डी को लगा देते हैं, यही प्रक्रिया वो आगे तक करते चले जाते हैं, जिसमें उनका प्रश्न बहुत ही कम सही होता है, ज़्यादा सही नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं तुक्का आपका ए से इस तरह से लगा देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं, क्रॉस करके इस प्रकार से लगा देते हैं, तो वहाँ पर भी उनका तुक्का उतना सही नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं बस क्या करते हैं कि बजरंग बली का नाम लेकर के गोला भर दो, तो इस तरह से भी उनका प्रश्न सही नहीं होता है। तुक्का लगाने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ बड़ा ही आसान होता है। आपको देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं प्रश्नों की संख्या बराबर 100 है। अगर आपको प्रश्न जो है 100 प्रश्न है आपको, तो वहाँ पर अगर आपका प्लस पॉइंट में यानी कि आपको निगेटिव में नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग आपका प्रश्न नहीं है, तो उसके लिए आपको अगर मानते हैं कि आप उसमें से 60 प्रश्नों का जो प्रश्न है, 60 प्रश्न जो है आप सही सही कर दिए हैं, आप 60 प्रश्न जो सही सही कर दिए हैं और 40 प्रश्न पर आपको तुक्का लगाना है, तो आप किसी भी परीक्षा का जो आंसर की है उसको आप उठा कर देखेंगे, तो अगर वो 100 प्रश्न है तो उसमें से 4 ऑप्शन आपका होता है ए बी सी और डी, देख रहे हैं इस प्रकार से, तो उसमें से आप देखेंगे 25 प्रश्न के जो आंसर रहेंगे वो ए सही रहेंगे, 25 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसका ऑप्शन बी सही रहेगा, 25 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसका ऑप्शन सी सही रहेगा, और 25 प्रश्न ऐसा रहेगा जिसका ऑप्शन डी सही रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 25 ही 25 रहे, अगर इसका 27 कर देता है, इसका 23 कर देता है, ऐसे आगे पीछे दो एक नंबर बढ़ा सकता है, लेकिन रेशियो जो होता है यही होता है, और करता है 2-1 इधर आगे पीछे कर देता है, 22-28 इससे ज़्यादा आपको नहीं कर सकता है, रेशियो मिला जुला कर आपको यही रहता है। अब आप कितने प्रश्न कर रहे हैं, 100 में से 60 प्रश्न आप सही कर रहे हैं, 40 प्रश्न पे आपको तुक्का लगाना है और आपका प्लस मार्किंग यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका एग्जाम, तो 40 प्रश्न में आपको तुक्का लगाना है। तो यहाँ से आप पहले देखेंगे कि जो 60 प्रश्न आपने किया है उसमें से किसका किसका ऑप्शन सही है, तो आप देख रहे हैं जैसे आपने 60 प्रश्न दिया है, 20 प्रश्न का अगर आपने ए सही लगाया है ऑप्शन, और 20 प्रश्न का आपने बी सही लगाया है, और 16 प्रश्न का आप डी आंसर दिए हैं, और 4 प्रश्न का आप सी आंसर दिए हैं। अगर इस प्रकार से जितने प्रश्न भी आप किए हैं उसमें से मिलता है, तो आप देख रहे हैं कि जो रेशियो भी हमने बताया था इस प्रकार का, तो आप कितने किसका कम दिए हैं सबसे अधिक, तो आप सबसे अधिक जो है ये सी वाले का ऑप्शन जो है सी आपने कम दिया है, तो वही सी वाला आप तो का हर एक प्रश्न में लगा देंगे, तब आपका वहाँ पर अधिक से अधिक प्रश्न सही होने की संभावना बनती है, हो जाएगी आपकी। और आपका अगर यही रेशियो जो है
जो 20-20 का दिया है, 20-20, 4 और 6 16 है, ये रेशियो अगर हट करके आपका दूसरे हिसाब से आपका अगर जो प्रश्नों की संख्या आपने दिया है उस प्रकार की मिल जाए, अगर आपका इस प्रकार से हो जाए, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर 20-20 आपने 60 प्रश्न दिया था, तो आपका अगर जैसे बढ़ जाता है घट जाता है उसमें कोई से जरूरी नहीं हो जाता है, ये अगर आपका 20 हो गया और बी आपका जो है आपका यहाँ से आप मान लीजिए कि ये आपका 25 हो गया, ये आपका 15 हो गया, तो कितना हो गया आपका, ये 10 और ये 5 और ये आपका 10 हो गया। अब देखिए आप इसमें इसका ये आपको 20 दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है, तो इस प्रकार से भी आप जो कर रहे हैं इसमें से आपको कोई क्लियर नहीं हो रहा है, तब आप तुक्का जो लगाते हैं तो उसमें से 40 प्रश्न हैं तो 40 प्रश्न को तुक्का लगाना है, तो आप चार चार का कलम बना लेंगे, चार चार का कलम बना लेंगे मतलब कि 1 2 3 4, इसमें 4 प्रश्नों की संख्या आप ए का तुक्का लगा दीजिए, फिर उसके बाद 4 प्रश्नों का बी बी का लगा दीजिए, फिर उसके बाद 4 प्रश्नों का डी डी का लगा दीजिए, फिर सी सी का लगा दीजिए, फिर उसके बाद आप डी डी का तुक्का लगाते हैं, तो इस प्रकार से आपका अधिक से अधिक प्रश्न सही होने की संभावना हो जाती है, इस प्रकार से आपका अधिक से अधिक प्रश्न सही हो जाता है। अगर आपका जो एग्जाम देते हैं माइनस मार्किंग में हो, अगर माइनस मार्किंग में हो तो सारी चीजें आप यही करते हैं, लेकिन वहां पर आपको माइनस मार्किंग में दिया गया है, तब आपको तुक्का कैसे लगाते हैं, ये चीज आपको इस प्रकार से मिलता है, तब आप इस प्रकार से करते हैं। और जब आप ये माइनस मार्किंग में एग्जाम आपका होता है, तब आप ध्यान दीजिए कि कैसे तुक्का लगाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से पकड़ लेते हैं, इसका ऑप्शन ये नहीं सही है। अगर आपको माइनस मार्किंग में है, अगर आपको ये पता हो जाए कि प्रश्न नंबर एक का जो प्रश्न आपका ए है, ये आपका नहीं सही हो सकता। अब ये पता हो जाए आपको कि प्रश्न संख्या एक का ऑब्जेक्ट आपका ए नहीं सही हो सकता, तब उस कंडीशन पे हम आपको तुक्का लगाने के लिए कहेंगे कि आप ऑप्शन बी को टिक कर दीजिए, वो ऑप्शन सही है। और जिस कंडीशन पे अगर आप जान जाते हैं कि ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है, तो उस कंडीशन पर भी आपको हम कहेंगे कि आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। तीसरा कंडीशन आपका ये होता है कि जब आप पकड़ लें कि ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है, सी नहीं सही है, तो उस कंडीशन पे हम आपसे कहेंगे कि आप ऑप्शन डी को क्लिक करिए, सही होने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। और चौथे में अगर आप ये पकड़ लें कि ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है, उसके लिए हम आप कहेंगे आपसे कि आप ऑप्शन बी को ही क्लिक करिए कि वह प्रश्न सही है। अब अगला आ जाता है कि अगर आप दो दो चीज़ों को समझ लेते हैं, दो चीज़ आप समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन नहीं सही, जैसे आप पकड़ लेते हैं कि ए भी नहीं सही होगा और बी भी नहीं सही होगा, तो उस कंडीशन पे हम आपसे कहेंगे कि आप ऑप्शन डी को क्लिक करिए। अगर आप पकड़ लेते हैं कि सी और डी में ये ऑप्शन नहीं सही है, तो उसके लिए हम कहेंगे ऑप्शन ए को क्लिक करिए। अगर आप सी और डी, ये हो गया, अगर आप बी और डी को ये समझ जाते हैं कि ये प्रश्न इसका नहीं सही हो सकता, तब आप यहाँ पे सी को क्लिक करिए। हमने आपको इस प्रकार से सब बता दिया है कि जो आपका इस प्रकार से मिलता है, तो आप इस प्रकार से करें, अगर तुक्का लगाएं तो आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका, सबसे सही तरीका यही है, अगर इस प्रकार से आप तुक्का लगाते हैं किसी एग्जाम में, तो अधिक से अधिक आपका प्रश्न सही होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुक्का लगा करके आप अधिक से अधिक परीक्षा क्लियर कर लें। देखिए आप किसी भी परीक्षा को अगर आपको क्लियर करना है, तो उसमें से आपको 60% प्रश्न आना चाहिए, और तुक्का आपका 10-20 प्रश्न की बात बचती है, वहाँ पर आप तुक्का लगा कर एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक घंटी की बटन आएगी उसको भी क्लिक कर दीजिए।